कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जा। हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर से बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक्स लगभग लगभग हर एग्जाम के लिए, जितनी भी प्रतियोगी एग्जाम होती है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उन हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र क्या है ये हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे और देखें यहाँ पर क्या है कंकाल तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले कंकाल तंत्र होता कैसा है, किस तरीके से है, ये वैसे तो आपने देखा होगा लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें पिक्चर में। ठीक है, किस तरीके से होता है और इसी के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना है। क्लियर है, तो इस तरीके से बेसिक एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझते जाना है, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो देखें स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ठीक है, मतलब कंकाल तंत्र क्या है, ये क्या होता है। तो कंकाल तंत्र नॉर्मली अपन से बोले तो किसी भी जीव का शरीर, मानव का हो या फिर जीव जंतुओं का, किसी भी जीव का शरीर किससे बना होता, किससे बना होता है, तो कंकाल से पूरा। ठीक है, पूरा जो ढांचा रहता है उसका, जो रूपरेखा रहती है, ढांचा बना रहता है पूरा शरीर का, वो किसका बना होता है, तो वो होता है हड्डियों का। ठीक है, तो हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है जो नॉर्मली आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये जो हड्डियों से बना हुआ ढांचा है ये कैसे कि बहुत सारी हड्डियां होती है, मानव की बात करें 206 हड्डियां होती है, जो 206 हड्डियां आपस में जुड़कर एक ढांचे का निर्माण करती है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क का निर्माण करती है जिससे पूरी बॉडी बनती है। क्लियर है, तो बॉडी पूरी जो टिका होता है पूरा शरीर वो किससे, एक ढांचे के रूप में होता है। क्लियर है, अब यहां पे जो ढांचा बन जाता है हड्डियों का पूरा, 206 हड्डियां पूरी जुड़ जाती है। ठीक है, तो कैसे जुड़ती है, किस तरीके से जुड़ती है उसको देखना है। तो जो 206 हड्डियां मान लो से जुड़ती है ये मांसपेशियों से जुड़ती है, जो हड्डियां होती है ये हड्डियों के ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती है। मान लो से कि एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है। ठीक है, जो हाथ की ये वाली हड्डी है ह्यूमरस, ये और ये रेडियस अल्ना, ये दोनों हड्डियां हैं लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे आके आपस में जुड़ रही है तो किसके माध्यम से जुड़ रही है, तो इसके ऊपर क्या है, पूरी मांसपेशियां है। क्लियर है, तो मांसपेशियों से पूरी ये हड्डियां सारी सारी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी हड्डियां मांसपेशियों के द्वारा जुड़ जाती है, तो इस तरीके से जुड़ के एक पूरा ढांचा बनता है जिसे हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तो क्लियर हो चुका है कि कंकाल तंत्र क्या है। क्लियर, अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे हम इसके प्रकार, तो इसके प्रकार कितने होते हैं देख लें। और इसके यहाँ पर जो प्रकार की बात करें तो प्रकार इसके कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, कितने, दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं स्केल्टन सिस्टम का। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केल्टन सिस्टम। ठीक है, इसको दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, बहुत जरूरी है, कई बार इंग्लिश वर्ड भी लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हिंदी में है लेकिन इसे इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड होता है। तो यहाँ पे प्रकार इसके कितने हैं, तो दो प्रकार हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के प्रकार दो, तो कौन सा, पहला वाला है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। ठीक है, और दूसरा वाला है अंतः कंकाल, अंतः कंकाल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये हो गया। अब बाह्य कंकाल क्या है, अंतः कंकाल क्या है, ये पूरा देखेंगे हम। क्लियर है, तो बाह्य कंकाल की बात करें सबसे फर्स्ट। ठीक, तो बाह्य कंकाल किसी भी जीव के ऊपर का सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है, ठीक है, वही क्या होता है, उसका बाह्य कंकाल होता है। वो अलग अलग रूपों में हो सकता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग रूपों में हो सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मानव की बात कर लें, तो मानव में बाह्य कंकाल कौन सा होता है, तो मानव में बाह्य कंकाल होता है सबसे ऊपर की जो चमड़ी है, ये क्या है, बाह्य कंकाल है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में जो नाखून है ये क्या है, बाह्य कंकाल है। उसके बाद में देख लेंगे बाल, तो बाल क्या है, बाह्य कंकाल है। तो इस तरीके से बाह्य कंकाल को नॉर्मली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बाह्य कंकाल। ठीक है, तो नाम सबसे पहले इनके नाम लिख लें। ठीक है, तो त्वचा, नाखून,
बाल, ठीक है। तो ये मानव की बात करें तो ये है, उसके बाद में फिर बात करें यदि से मछली की बात करें, फिश की बात करें, तो मछली में क्या होता है, मछली के ऊपर क्या होता है, शल्क होते हैं, ठीक है, जरा जरा से पूरा शल्क होते हैं और कठोर होते हैं, ऐसा लगता है। उसको अलग से निकाल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी प्लास्टिक से बने हुए हैं, ठीक है, इतना टाइट भी रहते हैं, कठोर भी रहते हैं अच्छे, जिससे वो मछली के शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, उसको चोट वगैरह लगने से वो बचाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मछली की बात करें तो उसके लिए क्या होंगे, क्या बोलेंगे अपन, शल्क, ठीक है, मछली के लिए शल्क। इसी प्रकार से यहाँ पे कछुआ की बात करें, कछुए की, तो यहां पर इसका क्या होता है, कवच, कवच होता है, ठीक है। तो कवच होता है, कवच मतलब पूरा से ऊपर खोल होता है और उसी खोल के अंदर कछुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, बाह्य कंकाल हुआ, ये कवच, क्लियर है। तो जिससे वो अपनी खुद की सुरक्षा करता है। अब मान लो से कोई, मान लो से पानी से बाहर निकल आया, पानी से बाहर निकल आया, लोग से उसको देखने लगे, कोई पत्थर मारा, कोई किस तरीके से मारता है, जब भी कोई पत्थर मारेगा इस तरीके से करेगा तो वो अपने जो पैर है और अपनी जो मुंडी है वो अंदर कर लेगा, ठीक है, ताकि इससे कि उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, ठीक। तो इस तरीके से जो बाह्य कवच है वो ही उसका क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र, क्लियर है। तो ये है, और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनमें से कि बाह्य कंकाल के रूप में पूरे बाल ही बाल होते हैं, जिसके शरीर के ऊपर पूरे बाल ही बाल है, वो क्या है, बाह्य कंकाल है। जैसे कि मानो से बंदर वगैरह लो, इस तरीके से बाह्य कंकाल है, ठीक है, नाखून भी होते हैं, सब कुछ ये होता है, तो ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात से कि ये है कि बाह्य कंकाल किस तरीके से बना होता है, ठीक है, किन किन चीजों से बना होता है, मान लो से कि चमड़ी है तो ये किन किन चीजों से ये बनी हुई है, क्लियर है। तो ये बनी हुई होती है मेनली टू टाइप्स दिए होते हैं, मतलब दो चीजें दी होती है, लेकिन होती कितनी है, तीन होती है, क्लियर, तीन होती है। सबसे फर्स्ट होता है सबसे पहला होता है एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म सबसे फर्स्ट होता है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं कि ये किन किन चीजों से ये बने हैं। तो यहां पे सबसे फर्स्ट है एक्टोडर्म, ठीक है, और दूसरा जो लेयर है वो होता है मेसोडर्म, ठीक है, और लास्ट में होता है एंडोडर्म, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये भ्रूणीय, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से त्वचा के अंदर क्या लेयर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, ठीक है, सबसे ऊपर वाली। उसके अंदर वाली फिर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोल देंगे मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, इनको सिर्फ हिंदी में भी लिख लेना है, मेसोडर्म, ठीक है, और ये एंडोडर्म, और ये एक्टोडर्म। तो इस तरीके से सबको इनको याद रखना है, मतलब बहुत बारीकी से चीजों को समझना है, क्लियर है। तो ये बाह्य कंकाल हुआ, बाह्य कंकाल में क्या क्या है मेन खास तो याद रखना है, ठीक। और इसके बाद फिर बाह्य कंकाल ज्यादातर से की जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ध्यान रखना है, हर किसी का अलग अलग है। अब इसके बाद में फिर बात कर ले अंतःकंकाल, ठीक है, अंतःकंकाल। तो अंतःकंकाल बहुत काफी विस्तृत है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रकार की, समस्त प्रकार की जो अस्थियां हैं वो अस्थियां सारी सारी आ जाएगी, क्लियर है। जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी हड्डियां किस में आएगी, अंतःकंकाल में। ऊपर का जो भाग है हमारा, ठीक है, ये बाह्य कंकाल हो गया, लेकिन अंदर की साइड जो सारी हड्डियां हैं वो क्या है, वो है अंतःकंकाल, मतलब अंदर की संरचना जो शरीर को एक आधार प्रदान करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतःकंकाल बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे अंतःकंकाल मतलब अस्थियां, ठीक है, अस्थियां होती है जितने प्रकार की, ठीक। अब यहां पे अंतःकंकाल क्या है कि दो प्रकार की होती है, अस्थियां भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी, तो यहां पे देखें तो सबसे पहला है जिसको बोलते हैं बोन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बोन, और दूसरा कार्टिलोज, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजें होती है। अब इसको बोन को नॉर्मली बोलते हैं क्या, अस्थि, अस्थि बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उपास्थि, ठीक है, उपास्थि। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसके दो भाग है, अंतःकंकाल के, ठीक है, एक अस्थि दूसरी उपास्थि, या फिर इंग्लिश में बोलो बोन कार्टिलेज, ठीक है, बोन और कार्टिलेज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रहेगा। अब यहाँ पे जो अंतःकंकाल है इसके बारे में सबसे पहले से देखेंगे हम बोन के बारे में कि बोन क्या होता है, मतलब हड्डी क्या होती है, किससे बनी होती है, ठीक है, ये सारे सब कुछ इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में कार्टिलेज या उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में से लिख लें, ठीक है, बहुत ही बेटर है। एक मतलब फैक्ट टू फैक्ट पूरे दिए यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, क्लियर है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर अस्थि के बारे में, ठीक है, तो अस्थि के बारे में पूरा जितना हो सके डिटेल में जो जो फैक्ट आते हैं एग्जाम में कई बार आ चुके हैं इनको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले अस्थि क्या है, तो अस्थि क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, अस्थि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार से ये हर किसी को कनेक्ट करने का काम करती है, जो बाकी जो अंग है उनको कनेक्ट करने का काम करती है, कौन, अस्थि, इसीलिए इसको क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम हिंदी में बोल लेंगे संयोजी ऊतक, क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसका हिंदी नेम ये है संयोजी ऊतक, और नॉर्मली क्या बोलेंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये देख रहे होंगे ये टिश्यू होता क्या है, कनेक्टिव तो ठीक है, कनेक्ट होना, किसी भी अंग को कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ना, इसको बोलते हैं कनेक्ट, लेकिन टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू यहाँ पे देख लें, कभी भी किसी भी जीव की जो बॉडी होती है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका, ठीक, कोशिका कहते हैं। उसके बाद में इसी कोशिका, मतलब बहुत सारी जब कोशिकाएं एक व्यवस्थित क्रम में जम जाती है या एक समूह बनाती है, ग्रुप बनाती है, जिनका संरचना और कार्य लगभग समान होते हैं, तो ऐसा जो ग्रुप बनता है कोशिकाओं का, उसी को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊतक, ठीक है, ऊतक। तो इस तरीके से यहां पर यह टिश्यू हुआ, और इसी टिश्यू से बन के फिर क्या बनता है, जब टिश्यू बहुत सारे मिल के एक समूह बनाते हैं तब क्या होता है, तब अंग का निर्माण होता है, ठीक है, ऑर्गन का निर्माण होता है। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बोलो या फिर अंग बोलो या तंत्र बोलो, ठीक है, और ऑर्गन से फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, मतलब तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो हमारा जो पूरा बॉडी का जो तंत्र है वो इस तरीके से निर्मित होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सेल सबसे छोटी इकाई, इससे बड़ी टिश्यू है, इससे बड़ी फिर ऑर्गन है, और उससे बड़ा फिर क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। तो ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू, तो अस्थि क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक, क्लियर है ना। तो ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद आए यहाँ पे अगले पॉइंट पे। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम से, ठीक है। जो अस्थि होती है, जो बोन होती है, इसमें ज्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यहां पर होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो यहां पे इसको दर्शाएंगे Mn और इसको Ca, कैल्शियम, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इनको, दोनों के सिंबल भी और यहाँ पे इनका नाम भी, और ये इससे क्या होता है, इन दोनों से मिलके होता है निर्माण, निर्माण किसका, तो अस्थि का, ठीक है, अस्थि का निर्माण होता है, क्लियर है। अब ये हो गया, इसके बाद में आए फिर यहाँ पे लिगामेंट पे, और लिगामेंट क्या है, टेंडेंस क्या है, ठीक है, लिगामेंट्स, और तो लिगामेंट्स होता है गाढ़ा पदार्थ, ठीक है, लिगामेंट्स क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, और ये कहां पर होता है, जहां पर हड्डियां, दो हड्डियां आपस में कनेक्ट होती है, जुड़ती है, ठीक है, वहीं पे होता है, ठीक है, वहीं पे क्या होता है, एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, पारभासी होता है, ठीक है। तो वो जो पदार्थ होता है वो दोनों हड्डियों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है,
इस हड्डी से इस हड्डी को जोड़ने का काम करता है। मानो से ये हड्डी और ये हड्डी, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, है ये जो हड्डियां हैं दोनों, इनको बीच में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे जॉइंट है तो यहाँ पे इनके बीच में एक पदार्थ है जिसे हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स। जैसे कि यहाँ पे एक हड्डी ये वाली है और एक हड्डी ये वाली है, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर है, इनके बीच में एक पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, और इसी पदार्थ को क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये पदार्थ है लिगामेंट्स। कभी भी आए लिगामेंट्स क्या है, तो लिगामेंट्स हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला एक पदार्थ है नॉर्मल। क्लियर, तो इतना केवल याद रखना है। और इसी के अपोजिट यहाँ पे देख लें, टेंडन्स या टेंडेंस। ठीक है, तो टेंडेंस क्या है, तो ये है हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट्स क्या करता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, मतलब अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। ठीक है, और टेंडेंस है ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मतलब अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है। क्लियर है, अब इसके ऊपर यहाँ पे जो हड्डी, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी मांसपेशियां। ठीक है, इस तरीके से मांसपेशियां, तो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाला एक पदार्थ होता है या एक जालीनुमा संरचना होती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंडोंस। ठीक है, टेंडोंस या टेंडेंस, ये तो दोनों को ध्यान रखना है। क्लियर, अब इसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे मज्जा गुहा। ठीक है, मज्जा गुहा, तो मज्जा गुहा इंग्लिश में बोलेंगे मेरो कैविटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरो कैविटी, या फिर गुहा को याद रख लो गुफा से। ठीक है, गुहा को याद रख लो गुफा से, जैसे कि मान लो कोई गुफा होती है, उस गुफा के अंदर बहुत सारा कोई जानवर भी घुस जाता है, कोई कुछ भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से गुफा नुमा संरचना होती है जिसको हम मेरो कैविटी बोलते हैं या फिर मज्जा गुहा बोलते हैं। ये कहाँ पर होती है, ये अस्थि में होती है। ठीक है, ये हड्डियों में होती है, तो हड्डियों में जितना कभी भी कोई भी मान लो से कोई पशु मर जाता है या फिर कोई से की जानवर मर जाता है जिसमें बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, उसको देखना ध्यान से, तो उसके अंदर क्या है, सब खोखली हड्डी दिखेगी। तो जो लंबी और मोटी जो हड्डियां होती है, ये अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। और ये खोखली हड्डी होती है, जब कोई पशु मर जाता है तब खोखलियां भी दिखाई देती है, लेकिन जब वो जीवित रहता है उस टाइम उस खोखली हड्डी के अंदर एक पदार्थ भरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये पदार्थ अधिकतर लोगों ने देखा होगा जो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, या फिर जो से कि मांस मटन वगैरह खाते हैं, तो उन्होंने उस मान लो से कोई हड्डी है तो उस हड्डी के अंदर एक गोंद सा चिपचिपा पदार्थ देखा होगा। ठीक है, मान लो से इतनी लंबी कोई हड्डी है, इतनी लंबी अंदर चिपचिपा पदार्थ है, इधर से उंगली डालेंगे उधर से वो निकल जाएगा। ठीक है, और उसको फिर वो खाते भी है। ठीक, तो इस तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को हम बोलेंगे क्या, उसको मेरो, ये बोन मेरो बोलेंगे। ठीक है, यह डायग्राम बना है, इससे समझ लेते हैं बहुत आसानी से। ये एक हड्डी है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भाग, यहाँ से जैसे हड्डी को यहाँ से तोड़ दिया है एक तरफ से, तो ये खोखला भाग है। ठीक, ये पूरा क्या है, ये खोखला भाग है पूरा ये वाला, और इधर ये पूरा भाग है, इसमें टूटा हुआ नहीं। तो इसमें जो ये खोखला भाग है अंदर की साइड, इस खोखले भाग को क्या बोला है, मज्जा गुहा या मेरो कैविटी। ठीक है, मज्जा गुहा या फिर मेरो कैविटी, कौन सा, अंदर के खोखले भाग को बोला है मज्जा गुहा। और इस खोखले भाग के अंदर जो एक पदार्थ होता है, गोंद होता है जिसको बोलते हैं हम, इसी को हम क्या बोलेंगे, बोन मेरो। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे बोन मेरो, या फिर हिंदी में बोलेंगे अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा या बोन मेरो एक ही है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिखा है, और ये कहां पर होता है, खोखली हड्डी के अंदर। क्लियर, ये अब ये जो बोन मेरो है, ये अलग अलग टाइप का होता है, किस तरीके से ये काम करता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में पर्टिकुलर अलग से बताऊंगा मैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, और ये वाले से कि ये यहाँ पर जितनी चीजें लिखी है वो एक एक चीज पूरी कंप्लीट है, समझ लिया है। ठीक है, ध्यान से, और अब बढ़ते हैं आगे, बस ध्यान से समझते रहें और हर एक चीज को अपने माइंड में उतारते रहें। ठीक है, ताकि किसी भी चीज को रटने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। यहाँ पे मान लो कि वीडियो में एक बार समझ में नहीं आता है, उसको रिवाइज करके फिर से देखो चीज को और समझने की कोशिश करें। ठीक है, हर चीज आपको कंप्लीटली क्लियर होगी। तो अब हम यहां पर बात करेंगे उपास्थि। ठीक है, उपास्थि एक होती है अस्थि मतलब बोन। ठीक है, एक होती है बोन, एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं अस्थि मतलब हड्डी। ठीक है, और इसको बोलते हैं उपास्थि मतलब अर्ध हड्डी। ठीक है, अर्ध हड्डी, इस तरीके से इसको ध्यान रखना।
अब इसके बारे में तो हमने पहले से की देख लिया, इससे पहले अब देखेंगे कार्टिलेज के बारे में, उपास्थि के बारे में, मतलब उपास्थि ये इसके बारे में, ठीक। तो अब सबसे पहले बात करें कि ये होती कहां पर है, कैसे होती है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, संयोजी ऊतकों से होता है। बहुत सारे जब कोशिकाएं एक साथ में एक समूह में जब मिल जाती है तो उससे एक गाढ़ी संरचना बनती है, ठोस नहीं होता है पूरी तरीके से, अर्ध ठोस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्ध ठोस गाढ़ा जो संरचना होती है उसी को हम बोलेंगे उपास्थि या कार्टिलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कान है, तो ये कान की जो से कि यहाँ पे संरचना है, ये जो बनावा है ये किससे, उपास्थि का बनावा है, अस्थि नहीं है। अस्थि मान लो होती थी ये दबता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हाथ है तो हाथ अस्थि से बनावा है, हड्डी से बनावा है, तो ये दबेगा नहीं, ये कठोर होता है, ठीक। और ये वाला क्या है, उपास्थि है, क्लियर है। नाक है यहाँ पर, तो नाक क्या है, ये उपास्थि है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि उपास्थि क्या है, तो अर्धठोस संयोजी ऊतक है, ठीक है, संयोजी ऊतक से बना हुआ है, मतलब संयोजी ऊतक ही है। उसके बाद प्रकृति कैसी रहती है, किस तरीके का रहता है, तो ये अर्ध तरल रहता है, ठोस रहता है, पारदर्शक रहता है और लचीला रहता है, ठोस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है इसका। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसको देखना है कि यहाँ पे एक शब्द है लेकुनी, ठीक है। लेकुनी, लेकुनी क्या होता है कि ये जो मानसिक की कान है ये बनावा है, तो ये जो इसका पदार्थ है अंदर, ठीक है, पारदर्शक पदार्थ है, अर्ध ठोस पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, बारीक 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 आपको रिक्त स्थान दिखेंगे। जब ये चमड़ी मान लो से कि हटती है यहाँ से, उसके बाद में अंदर देखते हैं तो एकदम पारदर्शी रहेगा और अंदर रिक्त स्थान दिखेंगे, खाली खाली थैलीनुमा संरचना दिखेगी, और उसी थैलीनुमा संरचना को हम क्या बोलेंगे, लेकुनी बोलते हैं, ठीक है, लेकुनी कहते हैं, ठीक है, ये है। और उसी के बाद में इसी थैलीनुमा संरचना में कुछ कोशिकाएं आपको दिखेगी, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें कुछ कोशिकाएं, जीवित सेल दिखेगी, सेल मतलब होता है कोशिका, तो जीवित कोशिकाएं दिखेगी, और इसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, कैंड्रियोसाइट्स। इन जीवित कोशिकाओं को जो कुछ ही रहती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैंड्रियोसाइट्स, क्लियर। तो ये होगा लेकुनी। लेकुनी के बाद में फिर देखेंगे पेरिकोंड्रियम, ठीक है, क्या है, पेरिकोंड्रियम। तो पेरिकोंड्रियम क्या होता है इसको देख ले, पेरिकोंड्रियम होता है कि मान लो चलिए जो है उपास्थि है, इस उपास्थि के ऊपर की साइड एक जालीनुमा संरचना है, उपास्थि और ये चमड़ी के बीच में जालीनुमा संरचना होती है, तो उसे ही, उस जालीनुमा संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिकोंड्रियम, जो इसके चारों ओर रहती है, ठीक है, इसके ऊपर परत के रूप में रहती है सफेद सफेद संरचना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया पेरिकोंड्रियम, क्लियर। तो यहाँ पर आज के क्लास में कंकाल हमने पढ़ा, कंकाल में, कंकाल के बारे में पूरा डिटेल में देखा, कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लिया, ठीक है। आज बाह्य कंकाल, अंत कंकाल क्या होता है ये भी हमने देखा, अंत कंकाल में कितने टाइप से ये भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप से, दो है, एक अस्थि है एक उपास्थि है, क्लियर। अस्थि के बारे में देख लिया, उपास्थि के बारे में भी यहाँ पे देख लिया कंप्लीटली। अब इसी वीडियो को ध्यान से एक बार और रिवाइज करके देख लें, ताकि आपको जो भी चीज मान लो कोई बाय चांस कभी छूट गई हो, क्लियर नहीं हुई हो, समझ में नहीं आई हो, तो वो क्लियर हो जाए, क्लियर। और उसी वीडियो को दोबारा देखने से फायदा ये होता है कि वो चीज, किसी भी चीज को एक बार पढ़ के रिवाइज करते हैं ना, तो अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है, क्लियर। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप कोई किसी की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि इससे कि जितना आप शेयर कर पाओगे, जितना आप मानो से कि लाइक कर पाओगे, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपको एक से एक वीडियो, एक से एक टॉपिक पे, सारे टॉपिक्स पे आपको से कि अच्छे सी क्वालिटी के वीडियो हम ला के देंगे, क्लियर। और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो कमेंट करें, उस टॉपिक का वीडियो हम जरूर बनाएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।